दिस इज डॉक्टर प्रियंका एंड टुडे हम लोग बात करेंगे एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रैशनल एंड अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। रैशनल एंड अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग इकोनॉमिक्स के हर एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो UGC नेट का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या XYZ कोई भी एग्जाम हो, माइक्रो का पेपर हो, आपका इंटरमीडिएट मैक्रो का पेपर हो, आपसे रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की थ्योरी पूछ ही ली जाती है। तो आज हम आपको एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि रैशनल और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है क्या। सबसे पहली बात तो बच्चे इन दोनों टर्म्स में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही मिलती जुलती सी टर्म है और बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि ये पुरानी थ्योरी थी और इसी में जो कमियाँ थी उसी को देखते हुए रैशनल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी बनाई गई। सबसे पहले बात करते हैं कि रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है क्या। ये जो थ्योरी है ये डेवलप की गई जॉन एफ मुथ के द्वारा, MUTH मुथ, इन 1961 में ये थ्योरी निकाली गई। ये थ्योरी अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की थ्योरी ये कहती है कि एक इंसान फॉरकास्टिंग के ऊपर फोकस करता है, मतलब ये पूरी थ्योरी फॉरकास्टिंग पे बेस्ड है। एक इंसान जब फॉरकास्टिंग करता है तो वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को नोट करता है सबसे पहले। जब वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करता है तो उस पे बेस्ड वो फॉरकास्ट करता है, मतलब भविष्यवाणी करता है। और जब वो भविष्यवाणी करता है तो उस भविष्यवाणी में काफ़ी सारी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, तो उसको कहते हैं अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी। मतलब जब एक इंसान अपनी पास्ट की सारी नॉलेज को इकट्ठा करता है और उस पे बेस्ड आपको एक फॉरकास्ट करके देता है। बट ये वाली थ्योरी जब फेल हुई तो रैशनल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी आई, जिसमें एक इंसान अपने पास जितनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी अवेलेबल है, चाहे वो पास्ट की हो चाहे वो प्रेजेंट की हो, जितनी भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करता है और उस पे बेस्ड फॉरकास्टिंग जब करता है उसको कहते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी है वो बेस्ड करती है आपकी पास्ट इन्फॉर्मेशन पे, मगर जो रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी है वो बेस्ड करती है आपकी जितनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर। तो इस बेसिस पे जो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हैं वो इनएक्यूरेट होंगे, मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है उस पर कहीं ना कहीं डाउट है, साथ ही साथ वो बायस्ड हो सकते हैं। मगर जो रैशनल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी है वो एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा होती है और अनबायस्ड होती है, और इसी वजह से हम रैशनल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी को ज़्यादा फेवर करते हैं रैदर देन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो है स्टेट करती है इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उस पे बेस्ड उसकी डिसीजन मेकिंग क्या रहेगी। वो अपने पास्ट और प्रेजेंट सारे ट्रेंड्स को चेक करता है और उस पे बेस्ड अपनी डिसीजन मेकिंग करता है। रैशनल एक्सपेक्टेशन सजेस्ट दैट पीपल विल बी रॉन्ग समटाइम्स, कभी कभी इंसान के डिसीजन गलत भी हो जाते हैं बट ऑन एन एवरेज करेक्ट ही रहते हैं, बट अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में काफ़ी गलत डिसीजन लिए जाते हैं। इसके कुछ एजम्पशंस हैं। क्या एजम्पशन है? सबसे पहला एजम्पशन है विद रैशनल एक्सपेक्टेशन पीपल ऑलवेज लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक। इंसान जो है अपने पास्ट मिस्टेक से बहुत ज़्यादा लर्निंग करता है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। फॉरकास्ट जो होते हैं वो अनबायस्ड होने चाहिए और लोग जो है अपनी जितनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उनको सबको यूज़ करें। तीसरा, पीपल अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, लोगों को ये समझ में आता है कि इकोनॉमी वर्क कैसे करेगी और गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे ऑल्टरेशन होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है, उसके वेरिएबल्स कैसे चेंज होते हैं, प्राइस लेवल्स, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे चेंज होते हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी कुछ वीक और कुछ स्ट्रॉन्ग वर्जन्स के साथ आती है। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड हेयर कि रैशनल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी कुछ वीक और कुछ स्ट्रॉन्ग वर्जन्स के साथ आती है। जो स्ट्रॉन्ग वर्जन्स हैं एज्यूम करते हैं एक्टर्स आर एबल टू एक्सेस ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। जो स्ट्रॉन्ग वर्जन है वो ये बोलता है कि जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो अपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सबको एक्सेस करने के लायक हैं और उसी पे बेस्ड उनकी डिसीजन मेकिंग होती है। बट वीक एक्सियम ये बताता है, जो वीक वर्जन है, कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन उसकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड रह जाती है और इसी की वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग में कभी कभी फ्लॉज रह जाते हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशन की जो थ्योरी है वो ज़्यादातर एक्यूरेसी चेक करने के काम आती है इन्फ्लेशन फॉरकास्टिंग के लिए। हमारे देश में जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसके लिए जब इन्फ्लेशन की फॉरकास्टिंग होती है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम रैशनल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी को यूज़ करते हैं। बट अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में वैन यू मेक फॉरकास्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स यूजिंग ओनली पास्ट इन्फॉर्मेशन, खाली पास्ट की इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हैं और उसी पर अपना डिसीजन दे रहे हैं, डैट इज अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, और ये ज़्यादातर गलत होती है। रैशनल एक्सपेक्टेशन इज मोर रेलिवेंट एंड मोर अनबायस्ड थ्योरी।
इकोनॉमिस्ट ऑफन यूज द डॉक्ट्रीन ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन. इकोनॉमिस्ट जो है ऑब्वियसली रैशनल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी को ज़्यादा फेवर करेंगे अपने इन्फ्लेशन रेट को एंटिसिपेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इफ पास्ट इन्फ्लेशन रेट्स वर हायर देन एक्सपेक्टेड देन पीपल माइट कंसिडर दिस अलॉन्ग विद अदर इंडिकेटर्स टू मीट दैट फ्यूचर इन्फ्लेशन ऑल्सो माइट कॉज इन्फ्लेशन. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. अगर तो आप सिर्फ पास्ट इन्फ्लेशन रेट्स को देखें उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए. इन्फ्लेशन को इफेक्ट करने वाला खाली एक प्राइस लेवल थोड़ी है, और भी तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं. तो फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट दोनों के ही जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सारी चीज़ों को लेके और फिर आप उसको अगर चेकआउट करें तो आपका डिसीजन काफ़ी हद तक सही होगा. तो यही है आपका रैशनल और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो जॉन मुथ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी निकाली थी 61 में, जिसको आज तक इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है और नेट के पेपर में तो आपको ये थ्योरी ज़रूर देखने को मिलेगी. तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने. इनकेस आपको कोई भी नोट्स या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यू कैन कॉल मी अप एट 9953080400. हमारे पास UGC नेट के सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे और पेपर वन के तो आपको बहुत ही अच्छे वीडियोज़ और नोट्स आपको अवेलेबल होंगे बहुत ही कम कॉस्ट पर. तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉल मी अप एट 9953080400. थैंक यू सो मच.